नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है ध्यान में जब साधक बैठता है तो विचारों का पीछा करता रहता है। विचार दिखते रहते हैं, विचारों में खो जाता है और अंत में पता लगता है कि ध्यान में वो प्रवेश ही नहीं पा पाए। ऐसे ही समय व्यर्थ हो गया। तो आज हम आपको एक ऐसी विधि बताने जा रहे हैं जिससे आप विचारों से मुक्त हो जाएंगे और आप ध्यान में शीघ्र प्रवेश कर पाएंगे। तो आज ध्यान से इस वीडियो को पूरा अंत तक सुने ताकि आप भी, अगर आपको ये समस्या है ध्यान में विचारों की, तो आज उसका हल हो जाएगा। तो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, आपका जो मस्तिष्क है वो विचारों से भरा हुआ है। उसमें हर क्षण कोई ना कोई विचार नया अपने आप उसकी तरंग उठ जाती है, और जो ध्यान करते हैं वह तभी इसमें असफल हो जाते हैं, क्योंकि वह विचारों के इस जाल से बच नहीं पाते। वो विचारों से लड़ना शुरू कर देते हैं, वो विचार ही फिर मुसीबत बन जाते हैं। जिस विचारों से आप लड़ेंगे वे विचार उतना ही आपके लिए नजदीक आएगा, जैसे कोई बार बार आपको कोई घटना पहले घटी हो वो याद आती रहती है। वो दुखद घटना है, बीत गई है, लेकिन आप उसे याद नहीं करना चाहते क्योंकि वो याद करने में दुख होता है आपको। फिर भी वह विचार चाहे अनचाहे आपके मस्तिष्क में बार बार आता रहता है। आप उसे भुलाने की कोशिश करते हो लेकिन वो फिर याद आता रहता है। इसी तरह आज के युग में डिप्रेशन की बीमारियां चल पड़ी हैं, विचारों में घिरे रह रहे हैं लोग, मुक्ति नहीं पा रहे। तो जिस विचारों को आप रोकोगे वे बार बार आएंगे। जैसे किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को वो शरारत करता है, खेलता है, आप उसकी माँ उसको रोकती है, भी ये खेल नहीं खेलना है, उससे उसके कपड़े गंदे होते हैं या कुछ और होता है, लेकिन वो बच्चा देखता है माँ को और जैसे ही माँ का थोड़ा सा ध्यान इधर हुआ वो तुरंत वही कार्य फिर करना शुरू हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे मिट्टी ढूंढते हैं खाने के लिए, कागज ढूंढते हैं खाने के लिए, जो मिलता है मुंह में डाल लेते हैं। माता को पता है मिट्टी इसके लिए नुकसानदेह है, वो दीवारों में छेद करता है, कभी ढूंढता है नीचे जमीन पे खा लेता है। जैसे वो मना करती है वो नहीं मानता, इसी तरह आपका मन भी ऐसा ही है। जिस काम को आप बार बार मना करोगे उसी को बार बार करेगा, जिस विचार को बार बार आप रोकोगे वही विचार बार बार आएगा। एक और उदाहरण के साथ समझते हैं। एक व्यक्ति था, वो ध्यान करते समय उसके अंदर बहुत विचार आते थे। वो एक साधु के पास गया और उसने कहा, मुझे ध्यान करने में बहुत बाधा आ रही है, जैसे ही मैं ध्यान करता हूं विचार घेर लेते हैं, कोई आप मुझे ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मैं विचार से मुक्त हो जाऊं और मुझे विचार ना आए। उसने कहा, मेरे पास ऐसी कोई विधि नहीं है, लेकिन उसे बार बार कहने पे साधु परेशान हो गया। तो उसने कहा, ठीक है मैं तुम्हें एक मंत्र दे देता हूं, उसे पढ़कर बैठ जाना तो तुम्हें विचार नहीं तंग करेंगे। उसने वैसे ही अपनी तरफ से एक लाइन लिख के दे दी। वो खुश हो गया व्यक्ति, जाने लगा। तो उसने कहा, रुको, एक बात का ध्यान रखना, जब भी ध्यान करने लगो तो पानी पीने का ध्यान अपने मन में नहीं लाना, नहीं तो ये मंत्र काम नहीं करेगा। उसने कहा, ठीक है मैं कभी भी ध्यान में जब बैठता हूं तो मैं पानी नहीं पीता हूं, मुझे प्यास नहीं लगती, और मैं आधा एक घंटा दो घंटे बैठा रहता हूं, मुझे नहीं प्यास लगती, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा। उसने कहा, ठीक है, चला गया।
और उस दिन से जब वो ध्यान करने बैठा तो ध्यान में बार बार उसके पानी आने लगा, उसे प्यास लगने लगी, उसका गला सूखने लगा। वो बहुत परेशान हुआ, भी ऐसा तो कभी हुआ नहीं था, आज ऐसा क्यों हो रहा। उसके मन में वो बार बार विचार आने लगा, बाकी सारे विचार तो खत्म हो गए लेकिन ये विचार बार बार आने लगा, पानी पीना है, पानी पीना है, प्यास लगी है, गला सूख रहा है, वो ध्यान से उठ जाया करे। पानी पी के बैठे, थोड़ी देर बाद फिर पानी का ही ख्याल आ गया। जिस चीज को उसको मना किया गया था वही बार बार विचार आ जा रहा है, वो बहुत परेशान हुआ। तो उसने उस वो साधु के पास अगले दिन गया तो उसने कहा, ये मंत्र आप वापस ले लो, अब ये मुझसे सिद्ध नहीं होगा, आपने जो मुझे इसका साथ में जो ये बोल दिया कि पानी नहीं पीना है, ये ना बोलते तो शायद मेरा ध्यान लग जाता, लेकिन आपने ये लाइन बोल दी है, मैं विचारों से घिर गया हूं, मैं निकल ही नहीं पा रहा हूं पानी में, पानी ही पानी दिखाई दे रहा है मुझे हर तरफ। तो दोस्तों ऐसे विचार घेर लेते हैं और इनसे आप मुक्त नहीं हो पाते। तो विचारों से मुक्ति कैसे पाए, कैसे बचे और ऐसे विचार ना आए, और जिस तरह के हम विचार चाहते हैं वैसे ही आए, और जब उनसे मुक्त होना चाहें तो मुक्त हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको कुकू FM पे द मिरेकल ऑफ राइट थॉट ऑडियो बुक रेकमेंड करना चाहता हूं, जिससे आप अपने मस्तिष्क में राइट थॉट को कैसे ला सकते हैं। हम सभी पॉजिटिव थॉट और उसकी शक्ति के बारे में सुनते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ही इन्हें अपने जीवन में ला पाते हैं, और ये सभी सही विचारों के जादू से होता है, और वह सही सोच का जादू हमारी लाइफ बदल देता है। ये ऑडियो बुक आपका जीवन चमत्कार से भर देगा, और इस बुक को आप भी जरूर पढ़ें। कुकू FM इंडिया का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप बहुत से टॉपिक, आप कई भाषाओं में ऑडियो बुक एंड बुक समरी सुन सकते हैं। इसका जो एक साल का सब्सक्रिप्शन है वो 399 रुपए का है, लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनमें से पहले 250 सब्सक्राइबर अगर हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जो कुकू FM का लिंक है उससे इंस्टॉल करते हैं, और स्क्रीन पे जो कूपन कोड दिया है आत्मा 50, ये यूज करेंगे तो आपको एक साल का सब्सक्रिप्शन 399 की जगह 199 रुपए में मिल जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे तो आप खुद ही फंस जाएंगे। एक और उदाहरण के साथ हम समझते हैं। एक व्यक्ति जब नया नया कोई साइकिल सीखता है, बहुत जद्दोजहद से वो साइकिल को चलाता है, और जब चलाता है तो रास्ते में कोई छोटा सा भी गड्ढा आ जाता है तो उससे वो बच नहीं पाता, जबकि 33 फुट की रोड है, और जब साइकिल लेके गए तो इधर उधर भी हो सकते थे, लेकिन उसने जब ही गड्ढे को देखा उसका कंसंट्रेशन गड्ढे की तरफ हो गया, उसका इतना निशाना पक्का हो गया कि वो चाह कर भी उस गड्ढे के आइड साइड से नहीं निकल पाया, और गड्ढे में ही जाकर साइकिल को निकाला। इसी तरह जिस विचार को आप ध्यान से देख लेंगे, उस पर निशाना तान देंगे, तो वो बार बार आएगा, और उसको रोकना भी चाहोगे, बचना भी चाहोगे तो उससे बच नहीं पाओगे। कुछ लोग सेक्स से लड़ते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं और उसी में घिर जाते हैं, फंस जाते हैं। कई लोग क्रोध से बचना चाहते हैं और उसी में बार बार फंस जाते हैं।
आपको साक्षी बनो, साक्षी जिस दिन बनना आ गया तब आप विचारों से मुक्ति पा जाएंगे। विचारों को देखो, उसे जानो, वह वस्तु हो या व्यक्ति हो, वो आपसे अलग है, आप अलग हैं, बहुत बड़ा फासला है उसके बीच में और आपके बीच में, बहुत बड़ा अंतर है। जब इस अंतर से, भेद से इसको आप अपने समझ से समझ लोगे तो भागना नहीं है, देखना है, समझना है और उसे वो आपके सामने सरल हो जाएगा। ब्रह्मचर्य जो है वो सेक्स से लड़ने से नहीं आता, उसके प्रति जागने से वो स्वयं ही चला जाता है। ब्रह्मचर्य सेक्स के विदा होने का नाम है। इसलिए किसी भी विचार से ना लड़े, साक्षी भाव से देखें, वह उसी समय चला जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे आप स्टेशन गए, आपकी ट्रेन है, आपने कहीं जाना है और ट्रेन आधे घंटा लेट है, तो आप प्लेटफॉर्म पे ही बैठ जाते हैं, इंतजार करते हैं उस ट्रेन का। तो आप देखते हैं आपके सामने कई व्यक्ति गुजरते हैं, कोई अटैची लेके, तो कोई ब्रीफकेस लेके, तो कोई अपना झोला लेकर, कुछ भी अलग अलग तरह के जो भी सामान ले लेके, कोई बोरा ढो रहा है, कोई कुली है, कोई किसी का सामान ढो रहा है, कोई कुछ उठा कर ले जा रहा है, कोई बच्चे जा रहे हैं, कोई फैमिली जा रहे हैं। आप उनको देखते हो, कुछ नहीं कहते और किसी का पीछा नहीं करते, सामने आए तो देख लिया और वो खुद ही चले गए। इसी तरह विचार भी आते हैं, अगर आप उनका पीछा करोगे तो अपने पीछे लगा लेंगे, लेकिन अगर आप देख के उन्हें जाने दो, कुछ नहीं कहोगे तो वो विदा हो जाएंगे। इसी तरह इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि कैसे साक्षी भाव में रहना है, हर विचार को देखना है, उसके पीछे नहीं पड़ना है, तो बस मुक्ति विचारों से हो जाएगी। आप ये टेक्निक साक्षी भाव की प्रयोग करके देखें और फिर देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को भी दबा दें, और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो कर लें। हम इन सभी पे आपको अच्छी से अच्छी जानकारी ध्यान के ऊपर देने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसमें आप ध्यान साधना में आगे बढ़ सकें। हमने कई ध्यान विधियां भी अपने चैनल में डाली हुई हैं। जो साधक नए हैं अभी ध्यान साधना उन्होंने नहीं शुरू की है तो हमारी पुरानी वीडियो को देख के ध्यान साधना, आनापानसति ध्यान या थर्ड आई मेडिटेशन, इस तरह की कोई भी जो भी कई मेडिटेशन के बारे में जो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सभी का सलूशन हमने दिया हुआ है। उन वीडियोस को आप सभी को जरूर देखिए ताकि आपका अध्यात्म सफर में आप आगे बढ़ सकें। और दोस्तों, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोकू FM ऐप का लिंक दिया है उसे क्लिक करके इंस्टॉल कर लें और द मिरेकल ऑफ राइट थॉट ऑडियो बुक जरूर सुने। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।